दुनिया में हम अकेले नहीं, उनके मुकाबले हमारी ताकत की पिछड़ी। मैं गलत था देने का, उसे कोई नहीं रोक सकता। फिल्म पठान, जवान, गदर 2, एनिमल, ड्रीम गर्ल 2, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी और कई अन्य हिट फिल्मों के साथ 2023 का एक शानदार वर्ष रहा है। अब सभी की निगाहें 2024 पर टिकी है, जिसमें ऋतिक रोशन, दीपिका पादुकोण और अनिल कपूर की फिल्म फाइटर वर्स की पहली बड़ी रिलीज होगी। वॉर और पठान की सफलता के बाद इस फिल्म का निर्देशन सिद्धार्थ आनंद ने किया है। फाइटर 25 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर रिलीज होने वाली है। वहीं अब फिल्म पर बड़ा अपडेट सामने आया है, साथ ही इसके रन टाइम का भी खुलासा हो चुका है। ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण अभिनीत फिल्म फाइटर लगभग 3 घंटे लंबी होगी। विदेशी बाजारों के लिए निर्माताओं ने पहले ही अपना प्रचार अभियान शुरू कर दिया है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि फिल्म देखने के लिए बड़ी संख्या में भीड़ खींची जा सके। पहला कदम फिल्म का समरी और रन टाइम शो करना है। आधिकारिक विवरण के अनुसार फाइटर शमशेर पठानिया नाम के एक महत्वाकांक्षी युवक की कहानी सुनाएगा, जिसे भारतीय सशस्त्र बलों का नायक बनने के लिए भारतीय वायुसेना में भर्ती होने के बाद अपनी बाधाओं को दूर करना होगा। फाइटर दर्शकों को एक्शन, ड्रामा और शानदार हवाई एक्शन प्रदर्शन से भरी एक मनोरंजक यात्रा पर ले जाने का वादा करता है। फाइटर का रन टाइम 3 घंटे और 10 मिनट बताया गया है। रणवीर कपूर के एनिमल के बाद फाइटर हाल के दिनों में 3 घंटे से अधिक समय तक चलने वाली दूसरी फिल्म होगी। कुछ हफ्ते पहले ऋतिक रोशन का कैरेक्टर पोस्टर सामने आया था, जो कि दर्शकों को बेहद पसंद आया। फिल्म 25 जनवरी 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज के लिए पूरी तरह तैयार है। तो आप कितने एक्साइटेड हैं इस फिल्म के लिए, कमेंट करके बताइए। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।